Hello everyone! Welcome to Himani Parikh channel, and this is about the new topic on cell membranes. This total study about the lipid and protein compositions, their diff movements, and their spanning, and detailed study about the cell membrane. I hope you like these videos, and if you like this, don't forget to like, share, and subscribe. And so let's start about the cell membrane study. So let's start. प्लाज्मा मेम्रेन इज़ अबाउट द प्लाज्मा प्लाज्मा की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज अ स्ट्रक्चर वाई शुड बी कॉल अबाउट द स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज इसमें थ्री टाइप्स मूवमेंट होते हैं रोटेशनल लेटरल और फ्लिप मूवमेंट्स सो दट वाई वी कोल्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो होते हैं आर एबल टू मूव अबाउट द अबाउट द प्लेन ऑफ द मेमब्रेन मेम्बरेन जो होती है ए सीमिट्रिकल की होती है इसके लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन आउटर लेयर और

दोनों सरफेस में मेमरिन में आउटर लेयर मेमरिनस में और इनर मेम्ब्रेन में लिपिड uh, और प्रोटीन कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं जस्ट बिकॉज इसके आउटर लेयर में फॉस्फोटाइडल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन होते हैं और इनर में इथेलोम सैरिन फॉस्फोटाइडल इथेलोन और फॉस्फोटाइडल इनसाइटॉल होते हैं लेट्स से फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड स्पिंगोमाइलिन आर फाउंड इन आउटर मोनोलेयर एंड सैरिन फॉस्फोटाइडल सैरिन इनसाइट इथेलोमिन एंडसाइटो अफाउंड द इनर मोनो लेयर तो ये आउटर में और ये इनर मोनोलेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा ये जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर लेयर में इस प्रकार से लिपिड और प्रोटीन के कंपोजिशंस में चेंजेस होते हैं और आउटर और इनर में इन चेंजेस के कारण आ, आउटर और इनर में लिपिड और प्रोटीन के इन चेंजेस की वजह से हम इसको इसमें काउंट करते हैं ठीक है और डायनमिक फ्लूड स्ट्रक्चर क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है इसमें लेटरन मूवमेंट्स रोटेशनल मूवमेंट्स और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये जो तीन मूवमेंट होते हैं देखो ये इधर से इधर लेटरल ऐसे यूं गोल गोल घूमता है तो रोटेशनल एंड फ्लिप फ्लॉप आउटर टू इनर लेयर जो मूवमेंट होता है इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स बोलते हैं सो दैट्स वाई थ्री मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर एंड फर्दर ऑल्सो बी प्रेजेंटेड सो दैट्स वाई वी कॉल्ड अ डायनेमिक फ्लूडिस्टिक एक्सरे डिफ्रेक्शन या फ्रीफ्रेक्शन इज माइक्रोस्कोपी नीडेड टू रिवेल इट्स ऑर्गेनाइजेशन लिपिड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फिफ्टी परसेंट अबाउट द मोस्ट एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द आर सेल मेम्रेन आर अम्फिपैथिक जस्ट मोस्ट एविडेंट फोसफोलिपिड विच हैव अ पोलर विच हैव अ पोलर हैड ग्रुप एंड हाइड्रोफोबिकल्स यूजली डिफरेंस फोर्टीन टू सेवनटीन कार्बन यूजली डबल बॉन्ड्स सो ये है कि हाइड्रोफीलिकड होता है हाइड्रोफोबिक टेल होता है इज अ फिफ्टी परसेंट फोस्फोलिपिड्स होता है इस वजह से ये एम्फोपैथिक नेचर की होती है सो दैट्स वाई इंट्रोडक्शन हो गया एक्से डिफरेंट फिस्टन हो गया और उसके बाद बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन की करेक्टर्स की बात करते हैं तो इनमें सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्रोफोलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं उसके अलावा फ्लूडिटी और रोटेशनल डायनेमिक मूवमेंट्स होते हैं लाइपोसोम जो होता है इस प्रकार से लिपिड की लेयर होती है इसमें विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज ड्रग्स अक्लिक एसिड्स को अंदर डाल के उसका यूज डिलीवरी आदि में किया जाता है उसके अलावा ब्लैक मेम्ब्रेन एक्वा सॉल्यूशन बिटवीन द टू ए होलो पार्टीशन बिटवीन द टू ब्लैक मेमरी के बीच में जो होता है वो आता है ठीक है तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर ब्लीचिंग में क्या है देखो इस एरिया में ब्लीचिंग की तो एक बार एकदम व्हाइट हो गया फिर वहां पे धीरे धीरे -दिर सेल्स में मूवमेंट करते हुए तो कुछ अनलाइटेड कुछ लाइटेड कुछ अनलाइटेड कुछ, अन्लाइटेड, कुछ, अन्लाइटेड, कुछ, अन्लाइटेड, कुछ अन्लाइटेड लाइटेड आ गई और इसमें लाइटिंग हो गई ठीक है तो इस प्रकार से पहले ब्लीचिंग की तो एकदम कम हो गया एरिया और वापस धीरे धीरे इतनी रिकवरी हुई ठीक है तो ये फ्रैप कहलाता है तो इस प्रकार से फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फ्लोटो ब्लीचिंग से तो इस प्रकार से ही रिकवरी हुई ठीक है और फ्लूडिटी की बात करूँ तो फ्लूडिटी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सीधा सीधा समझाती हूँ फ्लूडिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेचुरेशन और लॉन्ग चेन सैचुरेशन मीन्स क्या होता है सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो होती है कार्बन्स की वो सेचूरेटेड होती है और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं तो फ्लूडिटी क्या है सेचुरेशन और लॉन्ग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर सेचुरेशन और लॉन्ग चेन है तो वो थोड़ा सॉलिडिफाइड रहता है कंडीशन और अगर अन और शॉर्ट चेन है तो वो लिक्विडिटी रहती है तो फ्लुडिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शॉर्ट चेन और अनसेचुरेशन के अगर नेट में मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं कि वार्मर कोल्डर एरिया है और आप बताओ वहां इन कंडीशन ऑफ कोल्डर एरिया वॉट टाइप ऑफ फ्लूडिटी यस ऑफ आर यू दिस वॉस टाइप ऑफ चेंज वॉट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्रीज द फ्लूडिटी इन अ कोल्डर रीजन सो अन एंड शॉर्ट चेंज हाई लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर्स में अन और शॉर्ट चेन जो होती है फ्लूडिटी कॉज करती है जिसकी वजह से वो इजीली कंज्यूम कर पाए बट इन द कंडीशन ऑफ वार्मर कंडीशंस, देन शॉर्ट लॉन्ग चेन और सेच्युरेशन रखते हैं जस्ट बिकॉज वो इजीली जल्दी से एकदम ही बा बन के उठ ना जाए या कंज्यूम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए वहाँ थोड़ा सा सॉलिडिफाई रखना होता है तो वहाँ क्या सेचूरेशन और लॉन्ग चेन रखते हैं और जो कोल्डर रीजन होता है वहाँ जल्दी से वहाँ ईजिली कंज्यूम हो जाए इसलिए शॉर्ट चेन और अनसेचुरेशन होना चाहिए आई होप यू अंडरस्टैंड अब नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट

into our uh, raised crystalline stage characteristic of freezing points the temperature lower if hydrocarbon chain short uh, have a more double bonds shorter chain length reduces the tendency of the hydrocarbon tail interact with the one another this double bonds kick nick hydrocarbon chain and make them more difficult to pack uh, together सो द मेमरेन रिमेंट फ्लूड एट लोअर टेम्परेचर फेस ट्रांजिशन क्या होता है फेस ट्रांजिशन फिनोमिना चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट इन टू द सॉलिड स्टेट तो फेस ट्रांजिशन है फिनोमिना विद चेंजिंग अ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट में फिनोमिना है और अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं तो ये फिनोमिना क्या करता है टेंडेंसी होती है इसकी ये लिक्विड चेन को सॉलिड चेन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है इन बैक्टीरिया प्लाज्मा मेमरेन नो कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड द ठीक है बैक्टीरियल प्लाज्मा को यूक्रेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन कोलेस्ट्रॉल अप टू वन मॉलिक्यूल फॉर एवरी मॉलिक्यूल इनहानसिंग द परमेबिलिटी बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड बाई लेयर दे ओरिएंट दैम सेल्स लिपिड बाय देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्लोज टूगेदर प्रोलर हेड ग्रुप्स मॉलिक्यूल द रिजल्ट प्लेट्स टू विद दैट एंड पार्शली इम्बोलाइज द

ठीक so, है सो फेस ट्रांजिशन एक फिनोमिना है मोस्टली लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में कंपरेचर अगर टेम्परेचर और लोवर करें तो शॉर्ट चेन है मोर डबल बॉन्ड्स होता है उसमें वो लिक्विडिटी रहती है तो अनसेचुरेशन

अशोशियेटिन मॉलिक्यूल एग्रेट हाइड्रोजन बॉर्निंग वन अंडर प्लाज्मा शुगर ग्रुप मॉलिक्यूल्स द ल्यूमन ऑफ कॉलजी ऑपरेटस विच टोपोलॉजी द एक्सटीरियर टू द सेल्स दे ऑक्यूर ऑल एनिमल सेल्स मेमरे फाइव परसेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स दे प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मैमरेन टनल एपिथीलियल एसिड सिक्रेशन माइलिन द कंडक्शन में तो अब ये एक एक लाइको लिपिड होते हैं एक तो यह एसिड सिक्रेशन में उसके अलावा बैक्टीरिया प्लांट्स में ग्लाइकोलिपिड्स आर ड्राइव ग्लिसरॉल्स होते हैं और एनिमल सेल्स में स्पिंगोसिन होते हैं मोस्टली ठीक है ग्लाइकोलिपिड्स सेल सरफेस सेप्टर और यही है मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें लिपिड मॉलिक्यूल आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देर आर ऑलवेज अ लिपिड द दर आर ऑलवेज मोस्ट मोस्ट लिपिड मॉलिक्यूल देन प्रोटीन मॉलिक्यूल अबाउट फिफ्टी लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं ईच प्रोटीन मॉलिक्यूल फिफ्टी परसेंट ऑफ द मास तो ये कह रहा है कि मैमब्रेन प्रोटीन्स होती है लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो कम्पे स्मॉल होते हैं कंपेरिजन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल होते हैं फिफ्टी लिपिड मॉलिक्यूल्स मिल के ही बने होते हैं मेम्बर प्रोटीन की बात करूँ तो इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन पैरिफ्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड एंकर मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड एंक पैरिफ्रन मेम्ब्रेन प्रोटीन तो पेरिफ्री पे एक ही टाइप है फैटी एसिड्स एंकर मोरियन जीपीआई एंकर प्रोटीन लिपिड के पार्ट है इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करूँ के प्रोटीन कितनी बार पास आउट हुआ है तो उस हिसाब से डिगा है सिंगल में अपने ग्लाइकोफोरिन की बात करते हैं मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में बैंड थ्री या एन आइन सिक्स पास होता है ये बैक्टेरप्स इन सेवंथ पास है कनेक्स इन फोर्थ पास है ठीक है तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है इंटीगल पेरिफ्रल और लिपिड एंकल्ट तो इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं और ये जो तीनों जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ द इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करूं मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं एमफिपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग अ वन एंड मोर हाइड्रोफोबिक रीजन विच शो द एफिनिटी फॉर द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द लिपिड बाय लेयर एंड देयरस प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटींस होते हैं एमफिपैथिक होते हैं मैंने उठो इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करो तो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन एम्फोपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग अ वन एंड मोर हाइड्रोफोबिक रीजन विच शो द शो एफिनिटी फॉर द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द लिपिड बाई प्रोटीन आर कॉल्ड इंटीगल प्रोटीन दे आर हाइड्रोफोबिक रीजन आर एमडेड इन टू द मेम्ब्रेन इंटीरियर एल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है तो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है एम्फोपैथिक होता है इनका बाहर वाला रीजन हाइड्रोफिलिक होता है और इंटीरियर साइड जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एम्फ्योपैथिक मॉलिकल्स है हाइड्रोफोबिक एफिनिटी हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है इंटीगल प्रोटीन होते हैं और ये जो इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो होता है उसमें स्ट्रक्चर जो होती है इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन की वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती है ठीक है तो जितने भी ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन हो मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन हो तो ये जितने भी मेमोरिन प्रोटीन्स होते हैं उसमें जो हाइड्रो एम्फोपैथिक होते हैं क्योंकि बाहर का रीज़न हाइड्रोफिलिक होता है इंटीरियर रीजन जो होता है मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक होता है बिकॉज शो द एफिनिटी ऑफ द इंटीरियर बॉन्ड क्रिएट करता है इंटीरियर ऑफ लिपिड बाय लेयर इंटीगल मेम्रेन प्रोटीन जो होता है आरा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स में होते हैं इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन आर एमिडेड इन ऑनली द वन साइड ऑफ लिपिड बाय लेयर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच स्पॉन

एल्फा हेलिकल कंस कंसिस्ट ट्वेंटी टू थर्टी एमिनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर के बीच में वो ट्वेंटी टू थर्टी एमिनो एसिड्स का होता है एल्फा हेलिकल कंजप्शन में होता है सम टाइम सर्वर ट्रांसमेमरेंट प्रोटीन सेगमेंट्स आर अरेंज बीटा शीट्स एंड बीटा बैरल्स प्रोमिनेंटली जो होते हैं सेल मेमरिनस के जो पोर होते हैं उन पे पाए जाते हैं इन्हें पोरिन्स बोलते हैं देस आर फॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया माइट्रोकॉन्ड एंड क्लोरोप्लास्ट द पोर आर इन्वॉल्व इन टू द एक्सचेंज वाटर इन किडनी एनपी अमीनो एसिड जो रिचड होते हैं वो किडनी और पे प्रेजेंट होता है वो एक्वा पोरिनस और ये प्रोमिनेंटली पोर्स पे प्रेजेंट होते हैं तो इस प्रकार से ये पोरिनस हो गए और वो इस प्रकार से वैसे हो गए ठीक है अब सिंगल पास मल्टीपल पास क्या था ये देखो देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है इस प्रकार से इंटीरियर लिपिड बाई से जो इंटरेक्ट करती है वो हाइड्रोफोबिक होती है अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन में होती है और जो बाहर साइड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है ठीक है इसलिए हाँ, बाहर हाइड्रोफिलिक और इंटीरियर पार्ट इज अ हाइड्रोफोबिक इसलिए इसे एम्फोपैथिक बोला है और ये अल्फ़ा हेलिकल कंफॉर्मेशन में है अगर ये एक बार ऐसे ही है उसे हम सिंगल पास ट्रांसमेंबर प्रोटीन अगर ये बहुत बार ये इंटर अंदर बाहर अंदर बाहर है तो इसे हम मल्टीपल ट्रांसमैम्बरेंट प्रोटीन और इसे हम मल्टीपल सब यूनिट ट्रांसमेंबरेंट प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं ये ऊपर अगर खाली जो ऊपर प्रोटीन होती है वो पैरि पेरिफ्रल हो गई जो लिपिड्स एंकर्ड होती है वो जीपीआई हो गई तो इस प्रकार से प्रोटीन्स जो होती हैं उसको इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इस प्रकार से मल्टीपल सिंगल पेरिफ्रल लिपिड एंकर्ड इन तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करूं तो पहली है ग्लाइकोफोरिन 131 amino acids there was a first integral protein that we sequenced that revealed the polypeptide chain of glycoprotein consisting the three and terminal of the region of the extracellular side t uh, contain n and o linked साइट्स, हाइड्रोफोबिक सेंट्रल रीजन बरिड द हाइड्रोफोबिक कोर बाय लेयर एंड सी टर्मिनल रीजन पोलर एंड चार्ज रेजिड्यू साइटोसोलिक साइट्स तो इसमें क्या है बाहर जो साइट पोलर रीजन है वो सी टर्मिनल है इंटीरियर जो मेमरिन हाइड्रोफोबिक है वो एन टर्मिनल है ठीक है एक्स्ट्रा सेलर एंड टर्मिनल रीजन जो होता है वो बाहर की तरफ जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो एक्स्ट्रा सेलर साइट वाली वो एन टर्मिनल है इनर जो साइटोसोलिक वाली हाइड्रोफिलिक है वो सी टर्मिनल है और इंटर बीच में मिडिल में हाइड्रोफोबिक रीजन है ठीक है और ये जो होती है कैन अपियर इन अ हेल्दी इवन दे इफ दे आर अपसेंट तो ग्लाइकोफोरिन इज अ सिंगल पास ट्रांसमेमेंट प्रोटीन उसके बाद बात करते हैं हम बैंड मेम्ब्रेन बैंड थ्री बैंड थ्री नाइन थर्टी अमीनो एसिड्स मल्टीपल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है मल्टीपल हेल्पिंग इन कैरिंग सीओ टू फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंटीपोटर विच अलाउड टा कार्बोनेट्स क्रॉस द एक्सचेंज क्लोराइड आयन एंड मेकिंग दैम फ्रीली परमिएबिल ये क्या करते हैं कि बायोकार्बोनेट आयन को क्रॉसिंग में परमेबिलिटी में काम आती है नाइन थर्टी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है और बैंड थ्री प्रोटीन इतना ही पता है मुझे तो सो बैंड थ्री इज अन थर्टी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है मल्टीपल पास ट्रांसमैमेंट प्रोटीन है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ यहाँ ज़्यादा अच्छे से बताएगा सो लाइक एंटिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन बैक लाइक इंटीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स द एनआईएन एक्सचेंज प्रोटीन बैंड थ्री आर इथ्रोसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये जो होती है मेम्ब्रेन्स को लूप्स बैकवर्ड और फॉरवर्डली ट्वेल्व टू फोर्टीन टाइम्स तो बैंड थ्री प्रोटीन्स होते हैं लूप बैकवर्ड और फॉरवर्डली जोती है बारह ट्वेल्व टू फोरटीन टाइम्स ये मल्टीपल ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन्स होती है और ये मेनली लंग्स में प्रेजेंट होती है जो कि सी ओ टू डिलीवर्स में बाई क्लोराइड एक्सचेंज और में वहाँ गी प्रोटीन्स होती है उसके बाद बात करते हैं हम बैक्टीरियो रोडोप्सिन बैक्टीरियो रोडोप्सिन की बात करूँ तो बैक्टीरियो रोडोप्सिन ए प्रोटीन ये सेवंथ पास ट्रांस में हमने फोटो फोटोसेंसीटिव बैक्टीरियाज होते हैं कैप्चर्ड करते हैं लाइट को और प्रोटोन को पम्प करते हैं बैक्टीरिया एंड लाइक अ न्यूम्रस इंटिकल मेमरिन प्रोली पैप्टाइड चेन बैक्टीरियो रोडोप्सिन लुक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड तो सीधी बात है बैक्टीरियो रोडोप्सिन सेवंथ पास है बैंड थ्री ट्वेल्व टू फोर्टीन टाइम्स हो गई और ग्लाइकोफोरिन ग्लाइकोफोरिन सिंगल पास ट्रांसमैम प्रोटीन है और uh, कनेक्स इन फोर्थ पास ट्रांस ट्रांसेंट कनेक्सन आर प्रेजेंट इन अ गैप जंक्शन इन अ प्लांट फिजियोलॉजी रेग, uh, रेगुलेटेड नर्व गेटेड और uh, ग्लाइकोफोरिन प्रेजेंट इन अरबी मोस्टली हेल्दी टिश्यूज में नहीं प्रेजेंट होती है ये ग्लाइकोफोरिन सिंगल पास ट्रांसमैम प्रोटीन है और बैंड थ्री जो होती है लंग्स में अपने लंग्स में बाईकार्बोनेटाइन या एनआईन एक्सचेंज में है और बैक्टीरियो Adoption, जो फोटोसेंसिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं कि फोटोन्स को कैप्चर करते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है तो इस प्रकार से ये तीन कई टाइप की ये पास सिंग मल्टी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं और उसके अलावा पेरिफ्रल और लिपिड एंकर मेम्ब्रेन प्रोटीन अभी करते हैं और पेरिफ्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन देस आर बाउंड टू द मेम्ब्रेन सरफेस वील इलेक्ट्रोस्टेटिक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोलिक पोर्शन ऑफ द ठीक है तो ये जो देस आर बाउंड होता है विभिन्न प्रकार के हाइड्रोफिलिक हाइड्रो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन से ये सरफेस से बाइंड होते हैं स्पेक्ट्रिन एंकान बैंड फोर पॉइंट वन चेंज करते पी एस ये इजिली रिमूव हो जाते हैं वीक बॉन्ड्स से ये जुड़े हुए रहते हैं लिपिड एंकल मेम्ब्रेन की वो है बात करूं तो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ लिपिड एंकर मेम्ब्रेन प्रोटीन अटैच टू द लिपिड बाई लेड होते हैं है, है, फैटी है और ये कोवेलेंटली अटैच होती है, fatious, mystric, apometic, जो होते है उनसे ये अटैच्ड होती है सिंथेसाइज साइटोसॉल प्रोटीन एंड मॉडिफाई द एडिशन ऑफ प्रिनाइड पंद्रह कार्बन के फर्सनाइल जनराइल जनराइल इन मोलिक्यूल से ये अटैच्ड होती है लिपिड

और इसके थ्रू ये मूवमेंट्स के थ्रू आयर से बाहर आ जाती है जीपीआई एंकर्ड मोन प्रोटीन कैन बी रिलीज फ्रॉम द मेम्ब्रेन माई द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपिस सी ये लिपिड से जुड़ी है तो फॉस्फोलाइपिस सी से निकल सकती है साइटोसोल में बनी हुई से कोवल एट लिंक होती है मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन होती है स्टेबल बॉन्डिंग होती है इनकी करते हैं लिपिड ड्राफ्ट्स की द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेड ऑफ द कंडीशन ऑफ ग्लाइकोस्फिंगो एंड प्रोटीन रिसेप्टर आपको पता ग्लाइकोस्फिंगो लिपिड्स जो प्रोटीन्स होती है ऑर्गेनाइज दम प्रोटीन माइक्रोडोम लिपिड्स दे आर यूज में विभिन्न प्रकार के सिग्नलिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रैफिकिंग में होती है लिपिड इसमें कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोसिन लिपिड्स जो होते हैं लिपिड राफ में वो बहुत ज्यादा अमाउंट्स में होते हैं इसलिए ऐसे पफी पफी सी दिखती है थोड़ी और हाइड्रोपैथिक कर्व की बात करूँ तो हाइड्रोपैथिक कर्व मोस्टली द फ्री एनर्जी नीडेड द ट्रांसफर ऑफ सक्सेसिव सेगमेंट ऑफ वॉलीपैप्टाइड चेन फ्रॉम अ नॉन पॉलर सॉल्वेंट टू वाटर ठीक है नॉन पॉलर से वाटर में ट्रांसफर करने के लिए जो जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो हाइड्रोपैथिक इंडेक्स में आती है वाई एक्सेस और ये बताइए ग्लाइकोफोन इन सिंगल पास है तो ये एनर्जी नीडेड जो होती है वाटर में मतलब हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक कंडीशन में जाते हैं तो एटीपी टी पी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होता है ग्लाइकोफोरिन सिंगल पास है तो उसमें एक दिखा रहे हैं ऐसे अगर सात है तो बैक्टीरियो इन पास हैं तो दिस इज द डिटेल अबाउट द सेल मेमरिन देयर स्ट्रक्चर एंड देयर लिपिड प्रोटीन कंपोजिशन एंड देयर टाइप्स ऑफ फ्लूडिटी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाउ टू कंट्रोल द मेमरिन स्ट्रक्चर्स एंड द मेमरिन प्रोटीन पासिंग टाइम्स And my next video is about the membrane transport. So don't be late to check out that. And first of all, if you like this video, then don't do forget to like, share, and subscribe and comment me how's the video. I'm waiting for your comments. Thanks for listening. Thanks for watching. I hope you like it. Thank you.